¿Aló? ¿Aló? हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, भावी शिक्षकों, बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग आपके लिए जो चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ, आपके लिए जो चर्चा करने के लिए आया हूँ, या आपको जो विषय जिसके बारे में मैं जानकारी देने आया हूँ, तो हमारे इंस्पायर अकेडमी के इस बैनर के तले मैं राहुल गुप्ता मैं आपको केमिस्ट्री सेकेंड आरपीएससी का ग्रेड सेकंड, इसके लिए केमिस्ट्री सेकंड मैं आपके लिए अध्यापन करवाऊंगा। बच्चों, ये जो आरपीएससी की जो आपको आपके लिए ग्रेड सेकंड के टीचर के लिए जो वैकेंसी अभी फिलहाल जो अपकमिंग है, और बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आपके लिए आने वाली है, और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के तहत एक सफल शिक्षक बने, इसके लिए मैं आपको अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूं। हे बच्चों, हे प्यारे प्यारे मुन्नू, आपको इतना मालूम होगा कि आपके जो ग्रेड सेकंड शिक्षक में जो हमारे लिए जो पेपर होते हैं, वो दो पेपर होते हैं। ये आपको मालूम है यार, मैं इसमें आपके लिए ज्यादा समय नहीं मैं जाया करूंगा, ठीक है। इतना आपको मालूम है कि दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है, वो पहला पेपर में आपके जीके वगैरह ये सब चीजें आती हैं, और जो सेकेंड पेपर है वो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, जिसके लिए हमारा ये जो बैनर है इंस्पायर एकेडमी, इसके तहत हम आपको क्या करवाएंगे, अध्यापन करवाएंगे। बच्चों, इस सेकंड पेपर के अंदर आप लोग समझते हैं कि इसके अंदर तीन सब्जेक्ट का बोलबाला रहता है। सबसे पहले, सबसे अग्रिम हमारी फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसा ना सोचें कि मैं यहाँ पर कोई क्रम के लिए अपन इस बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई चीज, कोई सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद हो, ठीक है, कोई कम पसंद हो, लेकिन बेटा हमें तीनों ही सब्जेक्ट में एक से एक जैसी मेहनत करनी है, और हमें ये एग्जाम फोड़ डालना है। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षक बनना है जी, हमें सफल शिक्षक बनना है। तो इसके लिए हम जो बात कर रहे हैं आज, जो मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए बात जो करने वाला हूँ, वो हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो हम बेटा हम बात करेंगे केमिस्ट्री विषय की, ठीक है। ये जो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, वो केमिस्ट्री विषय की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बच्चों, मेरे आप लोग अगर देखें सेकंड पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, वो 150 जो क्वेश्चंस हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके टीचिंग मेथड के आते हैं, और बाकी जो शेष बचे हैं उसमें से 130 जो क्वेश्चन हैं, उनमें से इन तीनों सब्जेक्ट का समान रूप से बंटवारा हो जाता है। और जो हमारे जो मेरे जो मतलब बट में जो आएगा, वो आपके 40 से लेकर 45 प्रश्न जो हैं, वो मेरे जिम्मे, ये मेरे जिम्मे। और इसके लिए मैं आपको पूर्ण विश्वास इसलिए मैं आपको दिलाता हूं, और ये चीज आप मेरे इस पहले ही वीडियो से, इस पहले ही लेक्चर से आप लोग इस बात को समझेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ठीक है। और जितना अनुभव जो मैं है, मेरा है, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो 40 से 45 यानी मेरे जिम्मे आपके लिए रह गए 80 से लेकर 90 नंबर। बेटाओ, पूरे सिलेबस की हम लोग क्रमवार आपको जानकारी देते रहेंगे। एक साथ मैं पूरे सिलेबस की अभी आपके लिए जानकारी नहीं दे रहा हूं, आप इस बात को समझें। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि आपके लिए क्या हो, कि हम पहले इस दिन से आपके लिए सब्जेक्ट के लिए चालू हो जाए, ठीक है। तो बच्चों, जो पहली यूनिट हमारी जो रहेगी वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा सारा कुछ कवर होता है। क्या कवर होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया जाता है, मौलिक कणों के बारे में बताया जाएगा। अरे भाई, परमाणु भार क्या है, अणु भार क्या है, इसका अणुसूत्र हम कैसे लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखते हैं। आप जानते हैं बोर का जो परिकल्पनाएं जो आई थी, यानी एटॉमिक जो मॉडल है, जो परमाणु संरचना है, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आपको इस यूनिट के अंदर मिलेगी। बेटाओ, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आरबीएससी का, आरपीएससी का, कोई सा भी आरपीएससी का एग्जाम हो, उसके अंदर जो परमाणु संरचना जो होती है, उस ये हमारा जो ये यूनिट है,
इस यूनिट के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कम से कम एक दो क्वेश्चन तो 100% से 100% मिलेंगे। और कौन से कौन से? देखिए ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो क्वांटम नंबर्स के रहते हैं, और फिर एक क्वेश्चन तो इसका रिजर्व मान लीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली हम लोग बात करेंगे कैसे करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, कॉपी पेन उठाइए और शुरू कर दीजिए, आगाज कर दीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप जो भी कंटेंट आप जो यहाँ सीखेंगे उसकी आप जब कंपेरिजन करें, बहुत प्लेटफॉर्म पर ये चीजें चल रही हैं, आप उनको देखें, पहले इसको समझें और फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू किया जाए, पहली यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली यूनिट जो है वो आप लोग डाल लीजिए। पहली यूनिट क्या है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो आइए साहब, परमाणु संरचना में हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना जो हम लोग यूनिट लेके चल रहे हैं बेटा, इसमें मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं? मैं शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी चीज से कर रहा हूं और वो है द्रव्य। नाम तो सुना होगा, ठीक है। अरे द्रव्य क्या है भाई? अरे द्रव्य द्रव्य हम लोग उसको जनरली हम लोग इसको क्या बोले, द्रव्य का मतलब यानी कि यारो पदार्थ, ठीक है। अरे इंग्लिश में काहे को छो थे, इन्हें को छो मैटर या मैटर छे मैटर है, ठीक है। तो यार बचपन में जरूर आपने पढ़ा होगा ये द्रव्य क्या है। तो भाई द्रव्य क्या है? अरे दो चीजें होती हैं यारो। पहली चीज द्रव्य कौन? जो क्या करे? स्थान घेरे। अरे भैया जो स्थान घेरता हो वो द्रव्य। और दूसरी चीज जिसका जिसका क्या हो? जिसका द्रव्यमान हो। जिसका क्या हो बच्चों? द्रव्यमान। जिसका कोई मास हो और जो स्थान घेरता हो, अरे भाई उसको क्या कहोगे? उसे हम बोलेंगे द्रव्य। यारो चारों तरफ जहां भी तुम नजर दौड़ाओगे, जहां भी बात करोगे, जैसे भी बात करोगे, सब क्या है? द्रव्य है। सब जगह द्रव्य है भैया, सब जगह द्रव्य। अरे भाई जिस पेन से मैं लिख रहा हूं ये द्रव्य है, जो मैंने वस्त्र पहन रखे हैं ये द्रव्य है। अरे भाई जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वायु हम लोग ले रहे हैं, वायु के रूप में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या है यार? द्रव्य है। अरे हमारा पूरा शरीर भैया द्रव्य से बनकर बना हुआ है। द्रव्य नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो भैया द्रव्य द्रव्य जो है, द्रव्य पदार्थ जो किसको क्या कहोगे? जो स्थान घेरता हो, जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो बच्चों, उसे हम बोलेंगे द्रव्य। हाँ बेटाओ, साथ के साथ आप ये नोट्स उतारते जाइएगा, ठीक है। और हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा, क्योंकि मैं प्रारंभ में बोलूं तो कहीं ऐसा नहीं लगे यार मैं भाषणबाजी दे रहा हूं, और आपका समय बहुत कीमती है बच्चों। आप मुझे मेरा आपका कीमती समय आप मुझे दे रहे हो, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम शुरुआत से शुरू हो जाए, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा हम लोग यह क्या करने वाले हैं बच्चों। आपको संपूर्ण तरह से एक एक चीज आपको लिखवाई जाएगी, आप नोट कीजिए, ठीक है। आप एक रजिस्टर बनाइए, उसमें प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक। और जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है, हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाएंगे। और वो क्वेश्चन ऐवें ही नहीं भैया कहीं से भी उठा लिए गए कि उठा के ये दे दिया, ले पकड़ भाई ले पकड़ ले। अरे मेरे बच्चों वो क्वेश्चन कौन से होंगे? जो जिसका हमें अनुभव है, ठीक है। वो क्वेश्चन वो होंगे जिनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। एक यूनिट के कम से कम हम आपको 100 लगभग क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर आप टेस्ट देंगे, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, भावी शिक्षक बनेंगे। यही हमारी क्या है बेटा? शुभकामनाएं। और यही हमारी क्या है? उपलब्धि रहेगी, ठीक है। तो चले, तो हम कहां बात कर रहे थे? द्रव्य की। तो द्रव्य कौन? जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, ओके। इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नो, इसे हम बोलते हैं द्रव्य। यार अगर हम द्रव्य का वर्गीकरण करें, द्रव्य का क्लासिफिकेशन करें, तो द्रव्य का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो भाई मोटे मोटे तौर पर हम दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ये भक्तों। चलिए आपने अगर ये नोट कर लिया होगा,
ठीक है। आवगो साहब कैसे? अरे मेरे बच्चों कितनी अच्छी टेक्निक है आप लोगों के पास, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो, ठीक है। तो अच्छी चीज है मेरे भाई, ऑनलाइन की यही तो एक मतलब खूबी है। तो चलिए सर वीडियो पॉज कीजिए, इसको आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको आप मेरे सागे सागे लिखते चलिए। तो चलिए आ जाइए, क्या बोलने जा रहा हूं, द्रव्य। द्रव्य बेटा इसका दो प्रकार से द्रव्य का मोटे तौर पर वर्गीकरण करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं भौतिक वर्गीकरण और एक हम लोग करते हैं बच्चों रासायनिक वर्गीकरण, एक भौतिक और एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डाल ली ना, द्रव्य का दो प्रकार से वर्गीकरण, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो चाल वादे हो आगे, ठीक है मित्रों। अब देखिए आगे हम लोग इस बारे में फिर आगे बात करें, मैं पहले आप लोगों को कहां ले चलूं, अरे मेरे बच्चों पहले मैं आप लोगों को भौतिक वर्गीकरण की दुनिया में ले चलता हूं। आइए भौतिक वर्गीकरण देखिए, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है बेटा। इस भौतिक वर्गीकरण में थे जण हो रे, अरे तुम्हें पता है रे, क्या पता है तुम्हें बच्चों, मोटे तौर पर हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब कई जो है ना शरारती जो बालक हुए वो कहते हैं अरे साहब एक प्लाज्मा भी तो आया है। अरे मेरे मित्र हम जो बात करेंगे बेटा आरपीएससी जो एग्जाम है ये पूरी तरह से एनसीईआरटी के सिलेबस पर निर्भर करता है, और ये तुम्हें भी मालूम है ज्यादातर क्या आएगा आपके, आपके आएगा 11th और 12th का पोर्शन और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो बीएससी है उसका पोर्शन। बच्चों कंप्लीट पोर्शन मेरे सिर माथे, ठीक है विश्व। आप क्या कीजिए, आप तो बस चैन से पढ़ते जाइए, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़िए, टेंशन नक्को, टेंशन हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है पढ़ते चलिए आप, पढ़ते चलिए। तो चलिए साहब भौतिक वर्गीकरण में हमने द्रव्य को कितने भागों में बांटा है दोस्तों, तीन भागों में बांटा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। बचपन में पढ़ी हुई बातें आपको याद आएंगी क्योंकि आप सब हनुमान जी हो ना, आपको क्या किया जाता है, आपको याद दिलाया जाता है, आपकी शक्ति का आभास आपको कराया जाता है, उठो ठीक है। तो बच्चों तुमने पढ़ रखा है क्या, अरे तुमने ये पढ़ रखा है यार कि ठोस द्रव गैस अगर हमें इन तीनों में विभेद करना है तो हम मोटे तौर पर दो प्रकार से इसका विभेद करते हैं, ठीक है। अरे थे पढ़ चुका हो, अरे दो प्रकार से विभेद कैसे करते हो यार, कि ठोस कौन होता है जिसका क्या हो, एक तो हम लेके चलेंगे सरकार आकार और एक हम लेके चलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बच्चियों, ठीक है आयतन, आकार और आयतन। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ठोस, ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन क्या होता है बच्चों, ठोस का आयतन भी क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये दोनों चीजें भैया इसमें पाई जाती है। ऐसा थोड़ी है बेटा कि द्रव्य अपनी शेप बदल लेता है जिस पात्र में आप रख रहे हो, अरे थे जानो रे यार, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए सर आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैकल्पिक तौर पर आपसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अरे मेरे बेटा आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, चलिए आगाज करते हैं। बीच बीच में बेटा आपके टॉपिक के लिए मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन भी देते जाएंगे, ठीक है। तो थाने यहाँ पतो लागो लागेगो कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, वो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण होगा, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण होगा किसमें होगा, अरे भैया आपको ये ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, देखिए कैसे, पहला ऑप्शन आपको लिख देगा ठोस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको क्या लिख देगा सर, आप पहला तो ठोस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपको लिख दिया जाएगा सर गैस, और तीसरा ऑप्शन आपको लिख दिया जाएगा द्रव, और चौथा ऑप्शन आपको लिखा जाएगा उपरोक्त
सभी में, उपरोक्त सभी में। ठीक है, आप देख रहे हो बेटा कि यहां पर जब भी हम कोई भी टॉपिक हम ले रहे हैं, आपका टॉपिक हम जीरो से ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैं शुरुआत ये नहीं कर रहा हूं साहब परमाणु आ गया और ये आ गया और परमाणु के ये, अरे पहले शुरुआत तो करूं उनके काका जी नाना जी से तो शुरुआत करूं, पहले द्रव्य आया भाई तभी तो ये आएंगे परमाणु परमाणु। ठीक है, तो द्रव्य भैया, इसका द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण किस रूप में होगा, तो आप बताइए। चलिए आप बताइए क्या कहोगे, क्या आप केवल ठोस कहोगे, क्या आप केवल गैस कहोगे? नहीं ना, आप क्या आंसर देने वाले हो, उपरोक्त सभी। इस तरह से मटकते हुए चटकते हुए क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं भैया, ये तो शुरुआत है। ठीक है, आप लोग टेंशन काहे को कर रहे हो यारो। चलिए यहां पर इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, आप चाहे तो इसके लिए क्या कर सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार। ठीक है, नोट कर लिया, करा कि नहीं करा? चलो फिर आगे बढ़ जाओ, बढ़ चलो मित्रों, बढ़ चलो। अब हम लोग बात कहां कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सरकार कि द्रव्य का जो हम लोग वर्गीकरण भौतिक रूप से कर रहे थे, ठोस द्रव गैस के रूप में, जहां हमने आपसे कहा कि ठोस का आकार निश्चित, ठोस का क्या होता है, आयतन निश्चित। ठीक है, अरे थे ई बात ने भी जानो रे भाया हो, गैस के लिए क्या होगा, ये गैस के लिए दोनों ही क्या होते हैं मित्रों, गैस के लिए दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, गैस के लिए आकार अनिश्चित और गैस के लिए दोस्तों क्या, अरे भैया आयतन भी अनिश्चित। ठीक है, एक बात बताओ यार, जिस पात्र में आप गैस को लेते हो, क्या वो गैस उस पात्र के आकार को ग्रहण नहीं कर लेती? अगर आपने गोलाकार पात्र में गैस ली है रे, तो वो गोलाकार आकार ग्रहण कर लेगी। अगर आपने एक वर्गाकार पात्र ले रखा है, उसमें अगर आप गैस फिल करोगे तो वो वैसा आकार ले लेगी। और तो और मेरे बच्चों, आयतन, वो उस पात्र का आयतन भी ग्रहण कर लेती है, बड़ी चोटी है ये। ठीक है, तो ये आयतन भी क्या करती है साहब, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ऐसा है ना, यूं थोड़ी है भाई कि एक बड़ी बोतल के अंदर आपने गैस ले ली तो वो नीचे नीचे बैठी रहेगी, अरे यूं थोड़ी है रे, अरे पूरी गैस पूरी बोतल में फैल जाएगी वो। तो उसका आयतन और जो आकार है वो क्या है मेरे मित्रों, अनिश्चित। और ये द्रव जो है ना साहब, ये द्रव कौन है, अरे ये तो बीच का है रे। ठीक है, क्या है ये, बीच का। क्या करता है, द्रव्य का क्या होता है, आकार द्रव्य का कैसा होता है बच्चों, आकार द्रव्य का अनिश्चित होता है। देखिए एक छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा, ये आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो बहुत ही आसान छे, आ काई बता रिया छे, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे भैया, अरे मेरे लाला लालियो, अरे मेरे मोड़ा मोड़ियो। ठीक है, देख लाला कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तेरे से, ये भी तो पूछा जा सकता है, द्रव्य का आकार होता है। ठीक है, निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित दोनों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, अरे चार ऑप्शन ये नहीं हो सकते क्या? ठीक, और क्या पता दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ होती है यार, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है और आपके तो निश्चित अनिश्चित, और कहीं पढ़ा तो, अरे मेरे बच्चे तेरे सामने वो पिक्चर आ जानी चाहिए कि मान ले तेरे बोतल के अंदर पानी भरा है, बोतल में पानी भरा हो तो देखा होगा, या गिलास में आपने पानी भर के देख रखा है, तो एक बात बताओ यार, वो जो जल है, जल जो है वो करता क्या है, उस पात्र का आकार ग्रहण नहीं कर लेता। अगर आपने गिलास में ले रखा है तो उस गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, और आपने मेरी जैसी मोटी सी बोतल में ले रखा है तो वैसा आकार ग्रहण कर लेगा, अरे आपने थाली में ले लियो रे तो वो वैसा आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है साहब, आपने क्या किया, बोतल में पानी लिया, एक क्या दो बूंदे ले ली, क्यों यार पानी पूरा भर जाएगा बोतल में, ऐसा थोड़ी जादू होगा यार वो। तो क्या होगा मित्रों, मित्रों ये होगा, वो ये होने वाला है, आकार तो क्या होगा बताओ, आकार निश्चित नहीं, और आयतन क्या होगा, आयतन निश्चित होगा रे। समझ में आ गया रे? अच्छा बेटा, ये तो हर कोई पढ़ाता है यार, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, हर कोई भी पढ़ाएगा। अच्छा कोई नई चीज लेकर आते हैं है ना, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जो कई विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं साहब कुछ नया करो, कुछ नया, अबे नया क्या करें, जो सिलेबस में वही तो लेके चलेंगे।
लेकिन यार हमारी जो ये एनसीईआरटी है ना, ये बड़ी मिस्ट्री है। इसमें चीजें बहुत सी दे रखी हैं, समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए रे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। क्या चीज हमको दे रखी है? हमको जो चीज दे रखी है वो हमको ये चीज दे रखी है साहब, क्या कि कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसकी तीन क्या होती है, प्रावस्थाएं होती है। द्रव्य पदार्थ की तीन प्रावस्थाएं दोस्तों होती हैं, वो आपने देखा, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन होती हैं। लेकिन ये तीनों है बेटा एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है। किस आधार पर परिवर्तित की जा सकती है? देखिए, ये जो द्रव्य कण बना हुआ है, द्रव्य जो बना हुआ है, ये अवयव कणों से मिलकर बना हुआ है। अवयव कण अणु, परमाणु, आयन, बेटा इनसे मिलकर ये बनता है। और अवयव कण में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। दो प्रकार के बल कौन से कार्य करते हैं यार अवयव कणों के मध्य? एक तो लगता है अंतर अणुक आकर्षण बल। क्या लगता है? अंतर अणुक आकर्षण बल। और दूसरा क्या लगता है साहब? उसके विपरीत एक और बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं ऊष्मीय बल। एक लगता है अंतरणु का आकर्षण बल और दूसरा लगता है जी ऊष्मीय बल। देखो साहब, देखो फिजिक्स वाले गुरुजी पढ़ाते हैं क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अरे दोस्तों ऐसे ही क्या होता है, एक बल जो लग रहा है अंतरणु का आकर्षण बल, वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि अणु पास पास आ जाए। अणु क्या हो? पास पास हो, अणु एक दूसरे से बंधे बंध जाए। ठीक है, वो उनको बांधे रखने की चेष्टा करता है यार। और जो ऊष्मीय बल है वो नालायक है जी, वो चाहता है कि अणु दूर दूर हो जाए। ऊष्मीय बल चाहता है दूर दूर हो जाए, अंतरणु बल चाहता है मेरे बच्चों अणु पास पास आ जाए। तो लगा रे बुद्धि यार, तू क्या सोचता है? क्या आप इस बात को रटोगे? अरे बेटा इस बात को समझो। क्या कि मैं देखिए अब यहां पर आपके लिए पॉइंट क्या लाया हूं सर, अंतर अणुक बलों की प्रबलता, अंतर अणुक बलों की, चल रहे निकल जा रहे, अंतर अणुक बलों की प्रबलता। ठीक है, अंतर अणुक बलों की हम लोग क्या लेके चल रहे हैं सर? प्रबलता हम लोग लेके चल रहे हैं, अंतर अणुक बलों की प्रबलता। बेटा अगर अंतर अणुक बलों की प्रबलता की बात करें तो इसमें अंतर अणुक बल कैसे होते हैं? प्रबल। इसमें अंतरणुक बल होते हैं प्रबल। ठीक है, और गैसों के मध्य अंतरणुक बल कैसे होते हैं सरकार? दुर्बल। गैसों के मध्य तो अंतरणुक बल दुर्बल होते हैं, और ठोसों के मध्य अंतरणुक बल कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। और आप तो जानते हो ये द्रव्य में कैसा होता है, मध्य के। ठीक है, द्रव्य में जो अंतरणुक बल होंगे वो इन दोनों के क्या होंगे? मध्य के होंगे ना। मतलब रे मुन्ना, मतलब ये होगा ठोसों की तुलना में द्रवों के मध्य जो अंतरणु बल कार्य करेगा वो अंतरणु बल कैसा होगा? दुर्बल होगा। लेकिन गैसों की तुलना में जो द्रवों के मध्य अंतरणु बल कार्य करेगा वो कैसा होगा जी? प्रबल होगा। ठीक है, अरे मेरे बेटे आप बहुत सारी बातें इसके तहत कर सकते हो कि जैसे ठोस है, हम कहेंगे ठोस के अंत मध्य अंतरणु बल प्रबल होते हैं, यही कारण है कि ठोस कैसे, ठोसों के घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं यार गैस गैस के अणु अंतरणु बल कैसे होते हैं? दुर्बल। अरे बेटा यही कारण है कि गैस के लिए गैस अणुओं के लिए घनत्व कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, और इसके विपरीत कौन होते हैं? हमने पहले ही बोला था, इसके विपरीत होते हैं सर ऊष्मीय ऊष्मीय बल। इसके विपरीत होंगे ऊष्मीय बल। और बेटा ऊष्मीय बल कैसा होगा? अभी अभी बताया है, ये ठोसों के लिए उष्मीय बल कैसा होगा? दुर्बल। और गैसों के लिए उष्मीय बल कैसा होगा बेटा? प्रबल। और द्रवों के लिए कैसा होगा रे? मध्य के। ठीक है, द्रवों के मध्य उष्मीय बल कैसा होगा दोस्तों? मध्य के होगा। तो हे बनवारियों, हे मेरे बच्चाओं, हे समझ गया के ना समझ गए कि तीन प्रकार के ये द्रव्य की भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं यार, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठीक है, तो इन तीनों में क्या अंतर होगा ये जान गया। अब आ जाओ साहब, यहां तक तुम बात कर लें, आप इसको क्या कीजिएगा, तुरंत नोट कीजिए, आपके रजिस्टर में लिखिएगा। ठीक है, और हाँ
कहीं मतलब आपने रजिस्टर में लिख तो लिया ना, उससे पहले वो आपने डाल दिया जय गणेश, डालते हो ना आप जय गणेश जी और ये वो डाल लिया ना भाई साहब, अपने इष्ट देव याद तो कर लिए ना। अब चलो यार, चलो अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण। ये तो भौतिक हो गया यार, अब हम लोग बात करेंगे किसके द्रव्य कणों के रासायनिक वर्गीकरण की। हम लोग क्या करने वाले हैं, बातें आपके लिए करने वाले हैं। तो ये भक्तों तुरंत इसको नोट किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो आज जो हमारा पूरा फोकस रहेगा ना दोस्त, वो द्रव्य पर रहेगा, द्रव्य पर रहेगा। और जो कल के जो हम क्लास लेके चलेंगे ना यार, तो उसमें हम द्रव्य के कहाँ पर उनके कणों की बात करेंगे, कौन से मौलिक कणों की बात करेंगे, हम परमाणु की बात करेंगे, हम अणु की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे यार। ठीक, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, कर लिया, आ जाइए। अब अगर आपने ये चीजें नोट कर ली तो आइए अब हम आपको लेके चलें, कहाँ लेके चलें, ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण की ओर। तो रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण आ जाइए सर का बेटा। रासायनिक रूप से अगर हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं ना, तो हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक तो होगा शुद्ध पदार्थ, और एक बेटा हमारे पास होगा मिश्रण। एक शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे दोस्तों मिश्रण। बेटा शुद्ध पदार्थ आप समझ गया कि शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होगा कि द्रव्य में उपस्थित जो भी कण होंगे, द्रव्य में उपस्थित जो भी कण है, जो भी है द्रव्य के रूप में जो आपके पास है, उसमें उन सभी कणों का जो रासायनिक संगठन होगा, उनके रासायनिक गुणधर्म होंगे, वो रासायनिक संगठन और गुणधर्म बिल्कुल समान होगा। अरे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं रे शुद्ध पदार्थ, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन आपका जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, आपके लिए अल्कोहल हो गया, आप NaCl की बात कर रहे हो, ये सारे कौन हैं, ये सब हैं हमारे लिए शुद्ध पदार्थ। आपको गुरुदेव प्रश्न कैसे आएगा, अरे आपसे पूछा जाएगा शुद्ध पदार्थ होता है, और चार विकल्प आपको धड़धड़ाते फड़फड़ाते हुए दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ कौन होंगे कि द्रव्य में सभी जो कण होंगे वो उनका रासायनिक संगठन और उनका रासायनिक गुणधर्म क्या होगा दोस्त, समान होगा, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूं रे, लिख लिया होगा रे, ठीक है रे, चलो रे। अब मिश्रण में क्या होगा दोस्त, भैया मिश्रण में जो आप शुद्ध पदार्थ जो काम में ले रहे हो, अरे भैया दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपने एक निश्चित अनुपात में या किसी भी अनुपात में लेकर आपने मिश्रित कर दिया, ठीक है। तो जब आप मिश्रित करोगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। अरे नाम कह रहा है यार, नाम की बात तो सुन ले, ठीक है। तो आपको नाम कह रहा है कि मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक निश्चित अनुपात या किसी भी अनुपात में बनाया गया मिश्रण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, मिश्रण। बेटा नोट करते जाना हमारी बात को, है ना। अब मिश्रण जो है ना मेरे बच्चों, मिश्रण दो प्रकार का हमारे पास होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक हमारे पास होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी और विषमांगी। देखिए कई महानुभाव ये कह सकते हैं कि यार ये तो लिखा ही नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं जैसे तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि जब हम परमाणु संरचना के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले इनके काकाजी तो पढ़ाऊं, द्रव्य को तो पढ़ा दूं। और आप देखिए कंपटीशन एग्जाम किसी सीमा में कैद नहीं होता दोस्त, ठीक है। RPSC का जो एग्जाम होता है मेरे भाई, कब कहां कौन सा क्या क्वेश्चन पुट किया जाए, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यहां से भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, तो आप लोग इस बात को भी समझते जाएं। ज्यादा डिटेल में मैं इन चीजों को ले नहीं रहा हूं, फौरी तौर पर ले रहा हूं, और जहां डिटेल की आवश्यकता होगी वहां पर डिटेल भी पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं समांगी मिश्रण पर। यार समांगी क्या होता है, समांगी, तो समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है कि दो या अधिक घटक, घटकों या कहूं घटक, दो या दो से अधिक जो घटक हैं, ठीक है, वो क्या हो बेटा, दो या दो से अधिक घटक,
घटक क्या हो, समान रूप से घुले हो, समान रूप से क्या हो, घुले हो। बेटा अगर समान रूप से घुले हुए हैं, दो या दो से अधिक घटक समान रूप से घुले हुए हैं, ठीक है, यानी मिश्रण में सभी स्थानों पर उनका रासायनिक संघटन और उनके रासायनिक गुणधर्म समान है, तो वो कैसा मिश्रण होगा जी, समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे आपको गुरुदेव, जैसे अरे तू ले ले रे, तू ले ले बेटा NaCl, और NaCl को किस में डाल दे, जल के अंदर घोल दे, तू ले ले बेटा, ले ले रे, ले ले, क्या ले ले रे, अरे तू एल्कोहल को घोल दे रे जल के अंदर। ठीक है, तो जल में नमक जो है NaCl है, या आप ग्लूकोज ले लीजिए, ये क्या होगा, जल में समान रूप से घुल जाएगा बेटा, तो वो समांगी मिश्रण बन जाएगा। इसी तरह से एल्कोहल बाबा को भी घोल दीजिए, समान रूप से घुल जाएगा, तो ये भी कैसा मिश्रण बनेगा जी, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होगा, विषमांगी मिश्रण जहां पर क्या हो, या घटक अवयव जो है या तो आंशिक रूप से घुले हुए हो, या फिर घुलते ही ना हो। ठीक है, यानी घटक अवयव समान रूप से घुले ना हो। ठीक है, घटक अवयव समान रूप से घुले हुए ना हो। ठीक है, ये मतलब है घटक अवयव समान रूप से घुले ना हो, या कह सकता हूं रे कि कैसा हो, कि आंशिक विले हो, या हम कह सकते हैं अविले हो, आंशिक रूप से विले हो या अविले हो। आपको गुरुदेव कुछ उदाहरण दो तो बात चले। बेटा याद रखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो चलिए उदाहरण पे चलते हैं। तो हमारे पास उदाहरण आया तेल प्लस काई जल आगो। बताओ, जल में तेल आंशिक रूप से ही तो घुला रहता है, क्या समान रूप से घुला रहता है क्या, कहीं उसकी तेल की बूंदें मोटी होती हैं, कहीं बहुत छोटी 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 होती हैं, और कुछ समय पश्चात तो तेल ऊपर आ जाता है, राइट? ठीक ऐसे ही आप एक काम करो ना यार, जल में आप क्या करो, जल में आप रेत घोल दो, क्या घुलेगी? अब वो कैसी बात करो सा, कहां से घुलेगी? अरे तो मेरे बच्चे ये कैसा मिश्रण हुआ, अरे इसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो भैया हल्लू, आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए, क्या समझे कि मिश्रण क्या होता है, और आप ये भी समझ गए कि शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है। हे भक्तों, हे बालक बालिकाओं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात को करेंगे, ये जो शुद्ध पदार्थ है ये भागों में हमारे पास बटा हुआ है। अब ये दो भागों में कैसे बटा हुआ है, एक तो तत्व और एक तरफ आ जाइए यौगिक। अब आप समझने लगे होंगे कि मैं धीरे धीरे वहीं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। तो बेटा पहले मैं इनको तो पढ़ाऊं, सीधे ही कूद जाऊं, ठीक है? अरे पहले यहां तो आ जाओ रे, ये चीजें आती हैं रे, अरे आप एग्जाम को देखो रे, ठीक है, पेपरों को देखो, तो वहां पर आपको तत्व भी मिलेगा, आपको यौगिक भी मिलेगा। हाँ जी, अब ये तत्व क्या होता है, क्या होता है तत्व, और यौगिक क्या होता है? बेटे तत्व में क्या होगा, जैसे एक्चुअली मैं कई बार इस बात के लिए कहता हूं कि यार अपन उदाहरण से बहुत अच्छा समझते हैं। जैसे मैंने तत्व के रूप में आपके लिए सोडियम रखा, मैंने ऑक्सीजन रखा, मैंने ओजोन रखा, अरे बेटा मैंने एसेट रख दिया, मैंने आपके लिए P4 रख दिया, ये सब क्या है, ये तत्व है दोस्त। तत्व का मतलब क्या हुआ, अरे एक जैसे परमाणु से मिलकर बना हुआ है यार, अरे जो देखता है उसी को तो बोल तू यार मेरे भाई, अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में क्या बोलो, जो तुम देखते हो उसी को अपनी लैंग्वेज में बोल दो। तो तत्व कौन, तो समान परमाणुओं से मिलकर बने हो, क्या हो, मैं लिखूं रे, समान परमाणुओं से निर्मित, मेरी भावनाओं को समझिएगा, इन शब्दों को जल्दी जल्दी लिखे गए इन शब्दों को, आप परेशान ना होइएगा। तो जो समान परमाणु से निर्मित होगा रे, उसको हम क्या कहेंगे, वो तत्व होगा। और बेटा
ये यौगिक भाषा क्या होंगे, जैसे मैंने जल ले लिया, मैंने NaCl ले लिया, बेटा आप यहाँ पर लीजिए, आप यहाँ पर ये शर्करा काम में ले लीजिए, ठीक है, आप CO2 ले लीजिए मेरे भाई, तो यहाँ पर आप यौगिक के रूप में क्या देख रहे हो, यौगिक के रूप में देख रहे हो कि यहाँ पर दो या अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं से निर्मित जो शुद्ध पदार्थ होंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे यारो क्या रे, उसको हम बोलेंगे भैया यौगिक, ठीक है। अब बार बार ये बात आती है, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न कैसे आएगा, आपसे दे दिया जाएगा यार कि निम्न में से यौगिक है, निम्न में से यौगिक है, आप यौगिक को पहचानिए कि निम्न में से कौन सा यौगिक है, आप पहचान सकते हो क्या, मैंने आपको तरीका क्या बताया, समान एक जैसे परमाणु से निर्मित हो तो भैया वो तत्व, और अगर अगर दो या अधिक प्रकार के परमाणु से अगर निर्मित हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, यौगिक, वो यौगिक हो गया भैया तत्व। अब तत्व के बारे में आगे हम लोग इसके बारे में फिर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, आज आज चूंकि प्रथम दिन है, ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं रखते हैं, ठीक है, धीरे 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 हमारी ये जो क्लास है वो परवान चढ़ेगी, और आपको ये बेटा क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करने वाले हैं, अरे इसको लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए भाई, लोगों को बताइए भाई, ठीक है, क्या कि भाई इंस्पायर एकेडमी के बैनर तले हमारी यह क्लास आगाज आज कर चुकी है। बेटाओ फिर मैं आप लोगों से कह देता हूं, इस बारे में ध्यान रखिए, ठीक है, मेरे इस अनुभव का फायदा उठाइए रे, मेरे इन उड़े हुए बालों का तो फायदा उठाओ, ठीक है, और विश्वास रखें अपन पूरी तरह से अपन जुट जाएं और भाई क्या है फोड़ डाले एग्जाम को, ठीक है, हमें नौकरी चाहिए भाई नौकरी, और सफल शिक्षक बने अपन यार, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, ये वैकेंसी बड़े पैमाने पर आने वाली है और इसका आगाज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ जहाँ कंटेंट पूरा हो, ठीक है, हमें कोई ये दौड़ नहीं लगानी कि दौड़ लगाओ भैया, पूरा कंटेंट लेके चलेंगे और एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, पूरी तरह से समझाते हुए चलेंगे और एग्जाम को क्या करेंगे, क्रैक कर देंगे, ठीक है। तो हे बालकों, हे बालिकाओं, हे शेरनियों, हे शेरों, आप बेटा इस चीज में आप अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो आज देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको केवल आपको द्रव्य के बारे में बताया है, द्रव्य क्या होता है आपको मैंने ये चीजें सिखाई हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, हम इस तत्व के बारे में बात करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि ये तत्व है, इस तत्व को हम लोग कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं बेटा, देखो आप पूरा पढ़ लेते हो मेरे बच्चों, हर तरह से अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन ये नहीं पहचान पाते कि धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है, और एक इनमें से एक उपधातु और होता है वो कौन सा होता है। तो हमें इनकी पहचान बहुत जरूरी है, धातु कौन से, अधातु कौन से, उपधातु कौन से, ये बहुत जरूरी है बेटा। फिर धीरे 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 हौले हौले फिर हम लोग आएंगे परमाणु पर, परमाणु के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे परमाणु के मौलिक कणों के बारे में, और ये सब कुछ होगा कब, नेक्स्ट क्लास में। तो भैया तैयार रखना इस चीज के लिए, आप लोग तैयार रहो, पूरी तरह से जुटे डटे रहिए, ठीक है, और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हमारा, ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा ये ऑनलाइन ही नहीं, आप यहाँ पर ऑफलाइन का भी आप आनंद लेंगे और ले रहे हैं बच्चे कुछ लोग, ठीक है, बच्चों समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है, ठीक है, और हर्ष और उल्लास से बैठे हुए हैं, पॉजिटिविटी बनाए रखो यार, ठीक है, कैसे नहीं जीतेंगे, जीतेंगे यार, ठीक है, मैदान मारेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद और राधे राधे, ठीक है बच्चों।